बाराबंकी की जेल में बंद कैदी इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती कर रही हैं। जेल में बंद कैदियों ने स्ट्रॉबेरी की खेती करके एक नई मिसाल पेश की है और इसकी खेती सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में की जाती है। मैदानी इलाकों में इसकी खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जिला कारागार के जेल अधीक्षक और जेलर ने कौशल विकास मिशन के तहत इन कैदियों को प्रशिक्षित करके एक नई जिंदगी देने का प्रयास किया और इसी के साथ बाराबंकी जेल यूपी की ऐसी पहली जेल बन गई है जहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। जिला कारागार में धारा 302 समेत तो कई बड़े अपराधों में कैदी बंद हैं और ये ऐसे कैदी हैं जिन्होंने दुनिया में कई काले कारनामे किए हैं। परिवर्तन कराया जा रहा है, हृदय परिवर्तन इनका, और सरकार के कौशल विकास मिशन योजना के तहत सजा काट रही 1600 कैदियों को जिला कारागार के जेल अधीक्षक और जेलर उन्नतशील खेती के गुण भी सिखा कर इन्हें नई जिंदगी देने का प्रयास कर रहे हैं। जिला कारागार बाराबंकी में बंदियों के कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें खेती के नए नए तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। तो एक एनजीओ के द्वारा, निम्दस संस्था है, उसके द्वारा हमने यहाँ पे जो है नए प्रकार की खेती, जैसे कि तरह तरह के सैलड, तरह तरह की सब्जियाँ, और उसमें भी एक जो है स्ट्रॉबेरी की नई खेती हमने अपने यहाँ प्रयोग की है। शायद ये यूपी की पहली जेल है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और मेरी जानकारी में संभवतः इंडिया की ये पहली जेल है जहाँ जेल के अंदर जो है स्ट्रॉबेरी की खेती की जाए।